सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इनेंसियमर, डायस्ट्रोमर्स, रेसमिक मिक्सचर्स एंड द मिजो कंपाउंड विद स्पेशल रेफरेंस टू द एग्जांपल्स ऑफ टार्टरिक एसिड, एल्डोपेंटोस एंड अदर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हम कवर करेंगे आपके इनेंसियमर्स के बारे में, डायस्ट्रोमर्स के बारे में, मिजो कंपाउंड्स के बारे में, रेसमिक मिक्सचर्स के बारे में, और इनको जो है, इन थ्योरीज को जो है, हम आपके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि बात करें टार्टरिक एसिड, एल्डोपेंटोस या फिर कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, उसमें हम समझेंगे कि ये कंपाउंड्स क्या हैं, कैसे ये मिजो ये आपके शो होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को लेकर। इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपके आते ही हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हों या लॉन्ग क्वेश्चंस हों। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बीफाम फोर्थ सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 है उसका ही बेसिकली पार्ट है। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा इस टॉपिक से। बेसिकली जो बेसिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, चाहे आपके जीपेट में हो, आपके नाइपर में हो, या फिर आपके गेट में हो, आपके सीएसआर नेट पे हो या फिर नीट पे हो, इन सभी भी पूछे जाते हैं। इसलिए जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमरिज्म और फार्माकोलॉजी, यू शुड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सो बात करें हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के आइसोमर्स होते हैं। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर दोस विच हैव एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट आर द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिन जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, वो आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। इनमें बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स की, इनकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है या स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो सब सेम होती हैं। कुछ हद तक आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम होती हैं, बट इनका जो बिहेवियर है लाइट के अगेंस्ट में, खासकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट में, वो डिफर होती है। इसलिए ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो आज के टॉपिक है इनेंसियमर, डायस्ट्रोमर्स, मिजो कंपाउंड्स और रेसमिक मिक्सचर्स के बारे में। तो हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। वो है आपका, फर्स्ट कवर करेंगे टार्टरिक एसिड। तो बात करें टार्टरिक एसिड की, तो टार्टरिक एसिड के बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके थे। हमने पिछले वीडियोस पे देखे थे कि किस तरीके से हम किसी भी एक कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेकर, या सेंटर ऑफ सिमेट्री को लेकर, या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लेकर, या फिर उसमें क्रियल सेंटर्स को लेकर, हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंपाउंड्स जो हैं ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थे, उसको भी आप देखिए ज़रूर। उसके बाद बात करें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, कि आपका कोई भी कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी होगा जब वो डाइसिमेट्रिक होगा। डाइसिमेट्रिक कौन से कंपाउंड्स होंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, या जिनमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। हमने सब डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आते हैं हम टॉपिक पे, वो है आपका टार्टरिक एसिड और जो वेरियस डिफिनेशंस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके, फिशर प्रोजेक्शन है आपके, 2D स्ट्रक्चर है आपके टार्टरिक एसिड का। COH, CHOH, CHOH, COOH, ठीक है। तो इसमें हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो बेसिकली ये आपके टार्टरिक एसिड है। अब देखते हैं ये जो आपके स्ट्रक्चर है, इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम आगे बात करेंगे वन बाय वन। तो इसमें क्या होगी, ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसमें क्रियल सेंटर्स हैं कि नहीं हैं, कितने हैं, हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहले देखते हैं हम लोग क्रियल सेंटर्स के बारे में। तो क्रियल सेंटर्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बन सेंटर्स जिसकी चारों वैलेंसी अलग एटम से या ग्रुप से वैलेंस्ड हो, उसको हम बोलते हैं क्रियल सेंटर्स। तो हम देखते हैं कि इसके पास दो क्रियल सेंटर्स है, ये आपका सेंटर नंबर वन, ये आपका सेंटर नंबर टू, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है वो अलग एलिमेंट से वैलेंस्ड हुए हैं। ये आपका COH, HOH और ये आप पूरा सेम, इसमें OH, H, COH और ये पूरा, तो ये अलग कार्बन से जुड़े हैं। तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी है? क्योंकि हमने कहा था कि अगर किसी भी कंपाउंड्स में एक क्रियल सेंटर्स हो तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, वो ऑप्टिकल एक्टिव है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा या दो क्रियल सेंटर्स हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। इसलिए हम थ्योरी लाए थे प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेकर, सेंटर ऑफ सिमेट्री को लेकर। इसमें हम गौर करें कि इसमें एक आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये क्या है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसा प्लेन जिसको हम कट करेंगे तो जो पोर्शन जो आपकी स्ट्रक्चर प्लेन के अबव और बिलो, या फिर आपके एक पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों आपस में आइडेंटिकल मिरर इमेज जैसे होंगे।
सेम आपके इंग्लैंड में जैसा ही है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से स्ट्रक्चर आप इसको फोल्ड अप करोगे तो कम्प्लीटली सुपर इम्पोज हो जाएंगे, सुपर इम्पॉसिबल हैं, मतलब ये आपस में छिप जाएंगे, इसलिए क्या होंगे ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, ठीक है। तो इसकी थ्योरीज क्या होगी, पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, इसका मतलब ये डाइसिमेट्रिक नहीं है, डाइसिमेट्रिक नहीं है मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो कायल सेंटर्स हैं, ठीक है। इट हैज टू कायल सेंटर्स, कायल वन एंड कायल टू, ठीक है। क्योंकि इसमें दो कायल सेंटर्स हैं और दोनों को प्लेन्स हम कट करेंगे तो ये आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ये आपस में मिरर इमेज जैसा शो करते हैं, इसलिए आपके मीजो कंपाउंड्स हैं। सो व्हाट इज द मीजो कंपाउंड्स, सो मीजो कंपाउंड्स इज द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स विच हैव टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम और विच हैज टू कायल सेंटर्स एंड दिस शोज द ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। तो ये आपके मीजो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिनके पास दो कायल सेंटर्स होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो आपस में जो रोटेशन है उसको नलीफाई कर देते हैं, मीन्स वन कायल सेंटर जो हैं आपके अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक कायल सेंटर से आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो अल्टीमेटली जो नेट रोटेशन है, जो नेट रोटेशन क्या होगा वो होगा जीरो, उनका जो नेट रोटेशन है वो जीरो होगा, मतलब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी होने का मतलब यही है कि वो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एंगल में रोटेट करे, चाहे क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे, वो बात की बात है, हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हो गया मीजो कंपाउंड्स, और ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्यों है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इज ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन आपस में ही ये नलीफाई हो जाते हैं, इनका जो रोटेशन है, एक कायल सेंटर्स आपके क्लॉकवाइज करेगा तो एक कायल सेंटर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए ये आपके ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो होते हैं ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक प्रॉपर्टी है मीजो कंपाउंड्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो इसके जो मल्टिंग पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर लीजिए, इसकी जो मल्टिंग पॉइंट्स हैं वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 145 डिग्री होता है। और ये जो आपके अगर बात करें मीजो कंपाउंड्स की, तो मीजो कंपाउंड्स जो हैं इनका जो मिरर इमेज हैं वो कम्प्लीटली सुपर इम्पोज हो जाते हैं, मीन्स इट हैज ए नो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो इट हैज ए नो मिरर इमेज कंपाउंड्स, इसके पास कोई मिरर इमेज कंपाउंड नहीं होते हैं। अब मिरर इमेज बनाने के लिए तो हम बना सकते हैं, जहर से बात इसका हम कटिंग करेंगे और ये पूरा पलट देंगे तो मिरर इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज बनेगा, पर वो मिरर इमेज जो कंपाउंड्स बनेगा वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इसमें केवल एक ही कंपाउंड्स होगा, इसका कोई मिरर इमेज जैसा ये कंपाउंड्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम बना सकते हैं, हम बात करेंगे डिटेल में आगे जब हम पढ़ेंगे आर और एस सिस्टम को, तो हम बात करेंगे इसकी मिरर इमेज की, लेकिन इस कंपाउंड्स में कोई मिरर इमेज जैसा कंपाउंड्स नहीं होता। तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं मीजो कंपाउंड्स की। मीजो कंपाउंड्स आर द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स विच हैज टू कायल सेंटर्स एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड दे हैव नो एनी मिरर इमेज, ठीक है। एंड मीन्स दिस देयर मिरर इमेज इज द आइडेंटिकल सुपर इम्पॉसिबल विथ ईच अदर, ये आपस में कम्प्लीटली सुपर इम्पॉसिबल हो जाते हैं, इसलिए इनको एग्जिस्ट नहीं करता है, आप इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं मीजो कंपाउंड्स के, चाहे तो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके बी और सी के बारे में, जो इसके इनसीमर्स होंगे, तो ये नोट हो गया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड्स के बारे में, जो इसी का आपका सेकेंड पॉसिबल कंपाउंड्स है। अब आते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये भी आपके टार्टरिक एसिड ही हैं, बस इसमें जो पोजीशन है आपके OH का वो डिफर हो गया है, यहाँ पे हम लोग जिसको हम लोग एक्सचेंज कर दिए हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनेगा। तो सेम इसमें भी दो केल सेंटर्स होंगे। अब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि हम कट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मिरर में जैसा नहीं होगा, इसका मतलब इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा।
अगर स्प्लिन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कंपाउंड्स हैं वो डाइसिमेट्री हो गए होंगे। ठीक है, अब इसमें डाइसिमेट्री है, ठीक है, टू किरियल सेंटर्स हैं। अब डाइसिमेट्री है इसका मतलब क्या होगा, इसकी पॉसिबल मिरर इमेज होगी। ठीक है, मतलब पॉसिबल मिरर इमेज होगी जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इसका मतलब इसका भी सेकेंड कुछ इमेज में जैसा होगा, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो उसका जो पॉसिबल मिरर इमेज है वो ये है आपका, ये भी सेम दोनों हैं, मतलब आपके भी आपके डाइसिमेट्री होगा, उसमें दो किरियल सेंटर्स हैं, दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अब क्योंकि इस कंपाउंड्स में आपस में मिरर इमेज जैसा शो कर रहे हैं, दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, इनेंसियोमर होंगे, दीज आर द इनेंसियोमर्स। ठीक है, तो आपके इनेंसियोमर्स क्या हैं, इनेंसियोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये क्या हैं, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हैं। तो आपके जो इनेंसियोमर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो आपके किरियल सेंटर्स होने चाहिए, आप मतलब किरियल सेंटर्स होने चाहिए, अब एक या दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके लैक्टिक एसिड भी इनेंसियोमर होते हैं। इनेंसियोमर्स की खास बात यह है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, वो डाइसिमेट्रिक नेचर का होगा, उसका जो मिरर इमेज है वो आपके नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके इनेंसियोमर्स की हैं। ठीक है, अब ये कंपाउंड्स अगर ये जो कंपाउंड्स हैं इनेंसियोमर्स कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, मीन्स दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन इक्वल अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ही कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकल एक्टिव हैं, दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे हैं, मिरर इमेज ही हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हैं, दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन एक अगर क्लॉकवाइज करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा सेम अमाउंट पे। अगर ये 50 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसलिए हम इसको एक को डी टार्टरिक एसिड बोल सकते हैं, एक को एल टार्टरिक एसिड या लियो टार्टरिक एसिड बोल सकते हैं, ये डेस्ट्रो है वो लियो है। लेकिन आप स्ट्रक्चर को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये लियो है या ये डेस्ट्रो है, उसके लिए आपको लेबोरेटरी पे पोलारीमीटर का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं इनेंसियोमर की, हम जो बात कर रहे हैं, पहला है आपका डाइसिमेट्री, किरियल सेंटर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, एंड नेक्स्ट है आपका दे कैन रोटेट द पेन पोलराइज लाइट इन इक्वल डायरेक्शन, इन इक्वल अमाउंट, इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है आपका दे हैव अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। इनेंसियोमर्स की खास बात यह है दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली क्लोज होते हैं, सेम जैसा होते हैं, इनको अलग करना उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, हम इनको इजीली सेपरेट करना कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम होती है, फॉर एग्जांपल के ऊपर लेते हैं कि दोनों के जो मल्टिंग पॉइंट है वो सेम होगी 170 डिग्री, लेकिन बात करें हम मिजो कंपाउंड्स की ये अलग है, ठीक है, 154-145 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एग्जैक्ट या कुछ हद तक सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट द ऑप्टिकल एक्टिव केमिकल रिएक्शंस। ऑप्टिकल एक्टिव केमिकल रिएक्शंस को छोड़कर बाकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सेम होगी। ठीक है, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल रिएक्शन। अभी ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल क्या है, क्योंकि ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो अगर हम किसी और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे, मतलब जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे या रिएक्टेंट हम यूज़ करेंगे, अगर वो रिएक्टेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा तब दोनों का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, अदरवाइज बोथ आर द सिमिलर, इट इज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर, इट इज सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज अ सिमिलर केमिकल रिएक्शंस एक्सेप्ट द ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल रिएक्शंस। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मिजो कंपाउंड्स एंड द इनेंसियोमर्स। तो ये आपके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मिजो कंपाउंड्स के, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपके इनेंसियोमर्स के। ठीक है, तो बी और सी आपस में इनेंसियोमर्स हैं क्योंकि दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव हैं, दोनों ही एक दूसरे के कंप्लीटली आइडेंटिकल नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हैं, मतलब आपस में ये छुपेंगे नहीं। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं इसकी जो मिरर इमेज बनाएंगे तो आपस में इस तरीके से छुप जाएंगे, लेकिन इसकी जो मिरर इमेज हैं वो आपस में
नॉन सुपर इम्पोज होंगे, आपस में कंप्लीटली नहीं छुप सकते, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके इनिशियोमर्स की, मेसो कंपाउंड्स की, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इनके कुछ बेसिक और पॉइंट्स के बारे में, समझेंगे कि इस टार्टरिक एसिड्स पे कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, कितने पॉसिबल आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, कितने पॉसिबल आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलिए हम आप बात कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं हम टार्टरिक एसिड की, तो कुल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 3, 1, 2, 3। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कितने बनेंगे इस पे? 2, बी और सी, ठीक है। ये आपका सी है। टोटल ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स कितने हैं? 1, मिजो वाले। टोटल मिजो कितने बनेंगे? 1। टोटल इनिशियोमर्स कितने हैं? 2, ये और ये, ठीक है। अब आपस में इनका रिलेशन क्या है? अगर हम बात करें बी एन सी की, तो ये क्या है आपके? इनिशियोमर्स हैं, सिंपल सा है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें ए और बी की, ए एन बी और ए एन सी, तो आपस में क्या है? ए और बी या ए और सी, ठीक है, तीनों ही टार्टरिक एसिड के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तीनों ही टार्टरिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, लेकिन ए और बी और ए और सी आपस में मिरर इमेज नहीं हैं, दे आर नो मिरर इमेज, मीन्स ये क्या है आपके? डायस्ट्रोमर्स, मीन्स दीज आर द डायस्ट्रोमर्स। व्हाट आर द डायस्ट्रोमर्स? डायस्ट्रोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नो मिरर इमेज, मीन्स डायस्ट्रोमर्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। इसके बारे में हम आज अभी बाद में बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा इसमें जो एक पॉसिबिलिटीज और है वो है आपके रेसमिक मिक्सचर, एक जो पॉसिबिलिटीज है वो है आपके रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड्स में सेम अमाउंट पे, इक्वल अमाउंट पे आपके बी और इक्वल अमाउंट पे सी, मींस इक्वल अमाउंट पे इनिशियोमर्स हैं, उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर्स आर द मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ या इक्वल पार्ट्स ऑफ द इनिशियोमर्स और डीप होम और एल फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया रेसमिक मिक्सचर्स। अब आते हैं हम डिटेल बात करते हैं डायस्ट्रोमर्स की। बात करें डायस्ट्रोमर्स की, तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। उसके अलावा जितने भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर द डायस्ट्रोमर्स, क्योंकि हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। उनका जो 3D अरेंजमेंट है आइटम्स का, वो डिफर होते हैं और वो आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या होंगे? वो आपके डायस्ट्रोमर्स होंगे। इसलिए जितने भी ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड द नॉन मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, तब तक हम हमारे इंक भर लेते हैं हमारे मार्कर पे, फिर हम बात करते हैं डायस्ट्रोमर्स की डिटेल के बारे में। हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ताकि आपको नॉलेज है और बुश हो सके, ठीक, हो गया इतना। चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग डायस्ट्रोमर्स के बारे में। तो डायस्ट्रोमर्स क्या हैं? डायस्ट्रोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे हैव नो मिरर इमेज, दे आर नॉन मिरर इमेज, मीन्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। जैसे कि बात करें मिजो कंपाउंड्स ऑफ टार्टरिक एसिड की, या फिर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव टार्टरिक एसिड्स की जो हम देखे थे, वो आपस में मिरर इमेज नहीं थे, मतलब वो आपके डायस्ट्रोमर्स थे। तो
इसके अलावा ऑल ज्योमेट्रिक स्टीरियोआइसोमर्स भी आपके डाइसोमर्स होते हैं। उसके अलावा दे डिफर इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी मोल्टिंग पॉइंट्स है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, सोलिबिलिटी है, ये सब डेंसिटी है, सब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जिसके मैं देखा था मिजो कंपाउंड्स जो टार्टरिक एसिड का था, उसकी जो मोल्टिंग पॉइंट्स कितने थे 145 डिग्री, लेकिन जो इनसियोमर्स थे जो ऑप्टिकल एक्टिव थे, उनके जो मल्टिंग पॉइंट्स हैं वो आपके 170 डिग्री था। इसलिए जो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एल्डोपेंटोस का। ये एग्जांपल्स आपके जीपेट्स में पूछे जाते हैं, पूछते हैं ये कि आपकी स्ट्रक्चर दे देगा और आपको बोले कंपेयर करने के लिए ये आपस में क्या है। ठीक है, तो एल्डोपेंटोज की बात करें, ठीक है, तो एल्डोपेंटोज बेसिकली 5 कार्बन एटम वाला शुगर है। ठीक है, अब इसमें जो बात करें काइल सेंटर्स की, तो इसमें एक तरफ समझ लो आप डाल दीजिए OH, OH और OH, इधर डाल दीजिए H, H और H, कंपाउंड A हो गया। ठीक, तो अब किसी कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर आपको मालूम चल गया कि स्ट्रक्चर है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने पॉसिबिलिटीज स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके स्टीरियोआइसोमर्स, उसको जानने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आपके काइल सेंटर्स n हैं, ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटी पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो आपका 2 × 2⁻⁶ होगा। ठीक, तो इसके केस में आपके काइल सेंटर्स कितने हैं ये ढूंढ लीजिए आप पहले। पहले से बात है कि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे है क्या? ठीक, यहाँ पे नहीं होगा, 2 कार्बन एटम हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पर 3 काइल सेंटर्स हैं, इस एल्डोपेंटोस पे 3 काइल सेंटर्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो होगा 2, 3, मतलब इसके 8 पॉसिबल स्टीरियोमर्स स्टीरियोआइसोमर्स बन सकते हैं। कौन कौन से होंगे हम देखते हैं, तो इसको हम पहले वॉश कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है डी शुगर और एल शुगर, कैपिटल डी कैपिटल एल, जो कॉम्फिगरेशन का पार्ट है वो हो सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो 1, 2, 3, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस पे आपके डी और एल क्या है, पहले हम बात करते हैं बेसिक में, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कि अगर हम ऐसे हम अरेंज करें फिशर पोजीशन अरेंज करें 2D स्ट्रक्चर पे किसी भी शुगर को, किसी भी चीज़ को, तो जो आपका जो लास्ट का है, लास्ट का जो सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम में जो OH है, OH का पोजिशन अगर राइट साइड होगा तब वो होगा डी शुगर, या आपका डी कॉन्फिगरेशन वाले कैपिटल डी, ये समझ लो कि डी एल्डोपेंटोज है मान के चलिए। ठीक है, ये डी कॉन्फिगरेशन वाले कैपिटल डी कॉन्फिगरेशन वाले एल्डोपेंटोज हैं, क्योंकि इसके लास्ट कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के जो OH का पोजीशन है वो राइट साइड पे है, लेफ्ट होगा तो क्या होगा एल होगा। तो इसके पॉसिबिलिटीज जो हैं डी के 4 और एल के 4 होंगे। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो पहला हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं तीनों OH को राइट साइड कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, 2 को सेम रखिए, 1 को आप पलट दीजिए, तो ये कंपाउंड नंबर B हो गया। ठीक है, इस केस में नीचे को सेम रखिए, है ना, नीचे सेम रहेगा क्योंकि डी है, सभी हम बात करें डी की, तो डी में 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो नीचे को आपको राइट साइड में ही रहना पड़ेगा नीचे के OH को। तो इसके अलावा पहले हमने 2 रखे थे, 1 ऊपर का H पलटे थे, इसमें हम बीच का पलटेंगे, तो एक H हो गया, 2H हो गया, ये हो गया पॉसिबिलिटी नंबर 3। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटीज है इसी D वाले कॉम्प्लिकेशन पे, तो ये आपके 4 पॉसिबिलिटीज हैं आपके डी कॉम्प्लिकेशन वाले की। डी कॉम्प्लिकेशन क्या है, डी कॉम्प्लिकेशन ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें अगर हम बात करें फिशर प्रोजेक्शन की, 2D स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो आपके कार्बन एटम है लास्ट के नीचे रो का, नीचे का उसके जो पोजीशन है वो राइट साइड होगा OH का, तो आपके डी वाले होंगे। तो ABCD ये डी वाले पॉसिबिलिटीज 4 हैं। अब इनका मिरर इमेज, क्योंकि ये कहीं पे भी इनमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे इसका मतलब सभी के तो मिरर इमेज कंपाउंड्स होंगे ही, इसलिए सभी फॉर्म्स के, सभी डी फॉर्म के उसके रेस्पेक्टिव एल फॉर्म होगा ही। ठीक है, सारे के मान लीजिए आप क्या एल फॉर्म, ठीक है, मिरर इमेज। ठीक,
तो सभी के रिस्पेक्टिव हमने बना दिया है मिरर इमेज। अगर ये जो ब्लू वाले हैं वो डी फॉर्म हैं तो ब्लैक वाले होंगे एल फॉर्म, क्योंकि एल फॉर्म पे हम देखेंगे कि सारे जो ओएच पोजीशन हैं वो लेफ्ट तरफ में हैं। अगर लेफ्ट तरफ में ओएच पोजिशनिंग है इसका मतलब क्या होगा, वो एल फॉर्म होगा। तो ये होंगे उनके मिरर इमेज। इसका मतलब क्या होगा, ये आपके रेस्पेक्टिव जो हैं आपके, सपोज ये कंपाउंड नंबर ए बी सी डी है, तो ये आपका क्या होगा ई एफ जी एच। तो अब हम कंपेयर करते हैं वन बाय वन। तो जैसे कि हमने कहा कि जो भी मिरर इमेज होंगे वो आपस में इनेंसियोमर्स होंगे, ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, सारे सारे ऑप्टिकल एक्टिव ही हैं, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और ई, बी और एफ, सी और जी, डी और एच आपस में क्या हैं, इनेंसियोमर्स हैं। दीज आर द इनेंसियोमर्स। उसके अलावा ए और बी, ए और एफ, ए और सी, ए और जी, ए और डी, ए और एच, इसको कंपेयर करें बाकी चीज़ों से, इन लोगों से, तो क्या होंगे, डायस्टोमर्स। क्लियर है। सिमिलरली ये आपस में इनेंसियोमर्स हैं, बाकी ई के साथ कंपेयर करें सारे का, वो क्या होंगे, डायस्टोमर्स हैं, क्योंकि आपस में ऑप्टिकल इमेज, ऑप्टिकल मिरर इमेज तो नहीं है। मिरर इमेज में केवल क्या है, ए और बी हैं, सॉरी ए और ई हैं, या बी और एफ हैं, या सी और जी हैं, या डी और एच हैं, तो ये आपके इनेंसियोमर्स हैं, बाकी जो हैं रेस्ट ऑफ द डायस्टोमर्स। तो ये होती है डायस्टोमर्स की बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक एग्जांपल्स। ये साथ कुछ एग्जांपल्स आपके जीपेट में आए थे, दो दे देगा, मान लो सपोज आप कुछ जो स्ट्रक्चर है आपके दे देगा ए एंड सपोज डी, मान लो दो स्ट्रक्चर दे दिया आपके एग्जांपल में कि ये दे दिया और आपका ये दे दिया। अब बताइए कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इनेंसियोमर्स हैं, डायस्टोमर्स हैं, मेसो कंपाउंड्स हैं, क्या हैं, रिस्पेक्टिव मिक्सचर्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये होंगे आपके डायस्ट्रोमर्स, दीज आर द डायस्ट्रोमर्स, क्योंकि ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो इसमें आपने ये सीखा कि डी और एल क्या होते हैं, जो ये मिरर इमेज बनेंगे वो इनेंसियोमर्स हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ही, और डायस्ट्रोमर्स क्या हैं। तो इससे पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इसको नोट डाउन डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर्स की। तो रेसमिक मिक्सचर्स बहुत ही ईजी है, ठीक है, जितने भी इनेंसियोमर्स हैं, इनेंसियोमर्स का इक्वल अमाउंट पे मिक्सचर ही आपके रेसमिक मिक्सचर है, ठीक, हो गया नोट डाउन। चलिए अब आते हैं हम लोग रेसमिक मिक्सचर्स के बारे में, फिर बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द रेसमिक मिक्सचर्स, रेसमिक मिक्सचर्स आर द इक्वल कंसंट्रेशन और इक्वल क्वांटिटी ऑफ द डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। अगर किसी कंपाउंड्स में किसी आपके सोल्यूशन में किसी उस पर आपके मिक्सचर पे आपके डी फॉर्म और एल फॉर्म किसी भी कंपाउंड्स का इक्वल क्वांटिटी पे मौजूद है, मतलब वो आपके रेसमिक मिक्सचर्स होंगे, वो आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, एंड दिस ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। मिसो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन था, उसमें आपके जैसे कि हमने कहा था ये OH, OH, ठीक है, ये दो सेंटर्स हैं, तो एक आपको क्लॉक करेगा तो एक एंटी क्लॉक करेगा और आपस में नलीफाई कर देंगे आपके रोटेशन को। तो जो नेट रिजल्ट होगा रोटेशन का वो क्या होगा, वो होगा जीरो। इसके केस में भी सेम होगा लियो की, लेकिन इसमें क्या होगा आपके डी प्लस एल, ठीक है। तो सपोज डी वाला 50 डिग्री पे रोटेट कर रहा है तो और आपका जो एल वाला क्या करेगा, माइनस 50 पे करेगा, ठीक। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा आपका, जीरो। तो इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, इनमें इंटरनल कंपनसेशन होगा, ये डिफरेंस डिफरेंस है आपके रेसमिक मिक्सचर्स का। अब आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में और हम समझेंगे कि वो जो कंपाउंड्स हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं है, इनेंसियोमर्स हो सकते हैं या रेसमिक हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इनेंसियोमर, डायस्टोमर्स, मेसो, रेसमिक। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेकर, हो गया नोट, चलिए ओके। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम ऑप्टिकल आइसोमर्स ढूंढेंगे, तो ये आपके क्या है, 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। 1-2 मतलब कहीं भी दो जगह पर लगा दो आसपास। तो सपोज
ये हो गया आपका 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें जो कंडीशंस होंगे वो आपके वेजेस और डेसेस भी हो सकते हैं, मतलब अगर हम इसको देखें तो एक आपके ऊपर की तरफ होगा, एक आपके अंदर की तरफ होगा। जो वेजेस हैं उसको हम ऊपर की तरफ मानते हैं, बाहर की तरफ मानते हैं। जो वेजे डिसेस हैं उसको हम अंदर की तरफ मानते हैं। इसको हम समझने के लिए इस तरह से कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो फॉर्म क्या होगा, ये आपका ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है। इसके अलावा इसमें सिस फॉर्म भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो एक कंपाउंड से ये हो गया, ठीक। तो इसमें बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके, सिस और ट्रांस हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन, बात करते हैं पहले सिस वाले पोजीशन की। तो सिस वाले पोजीशन में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह कुछ हैं, तो हमको दिख रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अगर हम इसको इस तरीके से कट करें या ऐसे कट करें, ठीक है, तो दोनों एग्जैक्ट सेम होंगे। सेम होंगे मतलब आपस में जैसा होगा, तो एक तरीके से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं। दोनों ही आपके क्रियल सेंटर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहे तो देख सकते हैं, एक आपका एच है, एक सी एच थ्री है, एक इधर आपका इधर है, एक आपका इधर है, तो अलग है। मतलब इसमें आपके क्रियल सेंटर्स दो होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, एक और ये दो, पर ये आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, ठीक है। तो इसकी क्या खास बात है सिस वाले पोजीशन की, कि आपकी इसमें पी ओ एस हैं, इसमें दो क्रियल सेंटर्स हैं, ये आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, ठीक है। और क्योंकि दो क्रियल सेंटर्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, इस पर ये मीजो कंपाउंड्स हैं, क्लियर। अब आते हैं हम ट्रांस की, ट्रांस की बात करें तो इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसमें कट करेंगे तो एक नीचे एक ऊपर है, तो मिरर इमेज जैसा नहीं है, इसलिए इस पर आपके क्या होंगे, नो पी ओ एस, सी ओ एस और ए अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ए ओ एस। अल्टीमेटली क्या है, ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं ये। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस पे जो हैं आपके मिरर इमेज हो सकते हैं या होंगे ही, ठीक है। तो हम मान लेते हैं मिरर इमेज को, इसको भी इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इसको जब इस तरफ पलटाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर तरफ चला जाएगा, इसलिए आपका ये डेसिस होगा, ये वेजेस होगा, इस तरीके से होता है। या फिर इसको आप देख लीजिए, इसको आप पलटाओगे इस तरीके से या ऐसे पलटाओगे तो ये क्या होगा, नीचे होगा, ये ऊपर होगा, ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, इस कंपाउंड्स की बात करें, इस कंपाउंड्स में आपके ज्योमेट्रिकली दो होंगे, ट्रांस और सिस, ठीक है। इस कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं आपके ट्रांस वाले पे, एक और दो, दोनों ही क्या होंगे, आपस में ऑप्टिकल एक्टिव हैं, इनेंसियोमर्स हैं, ठीक है, ये आपस में इनेंसियोमर्स हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, एक होंगे आपके सिस वाले, जो कि मीजो कंपाउंड्स हैं। तो एक मीजो, दो इनेंसियोमर, दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, दो आपके सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तीन इसकी पॉसिबिलिटी से आपके 2,1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में। अब आते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन हैं, लास्ट आपके एग्जांपल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो सके, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है, एग्जांपल है आपका 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसके हम देखें तो ये आपके 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये आपके सिस पोजिशन है, ट्रांस पोजिशन है। इसमें देखें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पर मौजूद है। अगर उसमें पी ओ एस है, मतलब डाइसिमेट्री नहीं होगा, मतलब वो आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसमें मीजो है कि नहीं है वो हम देख लेते हैं, मीजो है या नहीं है ये देख लेते हैं, ठीक है। मीजो होने के लिए क्या कंडीशन है, कि उसमें दो कैरल सेंटर्स होना जरूरी है। क्या इस पर कैरल सेंटर्स हैं, देखते हैं। इस पर यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, ये नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक सी एच थ्री, इधर भी सेम, इधर भी सेम, मतलब नहीं है, सेम इसकी होगी। एक हाइड्रोजन, एक सी एच थ्री, इधर भी सेम, इधर भी सेम, दो तरफ सेम है, इसका मतलब इस पर कोई मीजो नहीं है। इसमें नो मीजो, मीजो होने के लिए ज़रूरी है कि उस पर दो कैरल सेंटर्स होंगे, उसमें पी ओ एस होंगे, ठीक है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पर इस पर मीजो नहीं है। बात करते हैं इसकी, इसमें आपके पी ओ एस तो नहीं है,
हम काट सकते हैं, लेकिन काट सकते हैं क्योंकि आपका ये ऊपर एक नीचे है, लेकिन इस पे COS है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? किसी ऐसा सेंटर्स जिस सेंटर से हम इक्वल डिस्टेंस पे अगर ट्रेवल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन पे, तो दोनों जगह पे एग्जैक्ट सेम कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या एटम्स मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ से हम मूव करेंगे ऊपर की ओर, तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा आपको CH3। नीचे की तरफ मूव करें, क्या मिलेगा आपको? CH3। तो COS है। अगर COS तो क्या होगा, उस पर डाइसिमेट्री नहीं होगा और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। मीजो के केस में क्या था? मीजो में POS होना चाहिए, आपस में कटेंगे तो मिनिमम जैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें दो करल सेंटर्स भी होना चाहिए। तो ये हो गया आपके क्या, दीज आर द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स बिकॉज दे हैव बीन नो एनी मिरर इमेज, दे हैव बीन नो एनी डाइसिमेट्रिक नेचर, दे हैव बीन नो एनी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, दे हैव द POS एंड दे हैव इट हैज द COS, देयरफॉर दिस आर द ऑप्टिकल नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, दे आर द जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्योंकि इसमें क्लियर सेंटर्स भी नहीं है। एंड सो दिस आर द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द इनसीमर, डायस्टोमर्स, रिसीविंग मिक्सचर्स एंड मीजो कंपाउंड्स। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज। एंड लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।